अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत खुश होंगे और आपकी दुआओं से हम भी एकदम ठीक हैं। तो दिन की शुरुआत करते हैं और आज का वीडियो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा होने वाला है, क्योंकि हम कुछ DIY बनाना है। काफी टाइम से चल रहा था कि बना ले, लेकिन आज मतलब कंफर्म हो गया है कि हमको DIY आज बनाना ही है। तो ये मेरा वीडियो पूरा देखिएगा और देखिएगा हम अपना DIY कैसे बनाते हैं और किस चीजों से बनाते हैं। तो चलिए बनाया जाए DIY और अपने दिन की शुरुआत की जाए। DIY के लिए जो भी सामान हमें चाहिए वो यहाँ पर हमने सब इकट्ठा कर लिया है। मास्किंग टेप है और गिफ्ट रैप पेपर है, बॉक्सेस हैं और एल्युमिनियम फॉइल है। तो हम और रानिया यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम लोगों को कई दिनों से डांट पड़ रही है, मतलब खासकर हमको, कि आप लोग आप क्या इतना ढेरों कूड़ा करकट जो है इकट्ठा करके रखे हैं। जैसे ये बॉटल है और ये बहुत दिन पहले आपने देखा होगा, ये पिज़्ज़ा बॉक्स और न जाने क्या क्या टूटे फूटे बॉक्स वॉक्स आप लोग क्यों करे हुए। तो हमें बस गुस्सा आ गया, अब इसको करना है रिसाइकिल और कुछ बनाना है। देखते हैं बना पाते हैं हम और रानिया के नहीं। चलिए कुछ बनाया जाए, इजी भी और कुछ अच्छा भी हो। तो रानिया रेडी हो? रेडी, चलो, मतलब बहुत अच्छे से सोच के रखना क्या कैसे बनाना है, ओके? तो पहले DIY है वो जो बॉटल थी उसको हमने कट कर लिया है। रानिया के हाथ में है एल्युमिनियम फाइल और इसको वो क्रश कर रही है। चले देखते हैं कैसे बनता है। आजकल अक्सर लोगों को आपस में बात करते सुना होगा, या हम लोग भी अक्सर यही बात करते हैं कि पहले की तरह हम लोग अब खुश नहीं रहते हैं, उस तरह हंसते नहीं हैं और पता नहीं सारी चीज़ें कहाँ चली गई, टाइम कहाँ चला गया। तो शायद हम लोग पहले छोटी छोटी खुशियों पे खुश होते थे और अब कि टाइम जो चल रहा है हम लोग को बड़ी सी बड़ी भी चीज़ मिल जाती है तो भी हम लोगों को वो खुशी महसूस नहीं होती है, क्योंकि हम लोग छोटी खुशियों को जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो रोज़ डेली हम लोगों को वो खुशियाँ मिल सकती हैं। और बड़ी खुशियाँ तो कभी दो चार साल में कभी हो गई या कभी साल दो साल में आपको मिलती हैं बड़ी खुशियाँ। तो अब मेरा तो कहना यही है और मानना भी है कि हमको छोटी छोटी खुशियों पे खुश होना चाहिए, कि जो है उसमें खुश रहना चाहिए। और जैसा ऊपर वाला करता है या जो उसने हम लोगों के साथ किया है वो सबसे बेहतर है और सबसे अच्छा होता है। तो रानिया जो है वो रेडी हो गई हैं अपने DIY के साथ, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है, हमको तो अच्छा लग रहा है। ये आइडिया इन्हीं का था, रानिया का, और फटाफट बन गया है। और इसको हम किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं, छोटी बड़ी बॉटल में मतलब बना सकते हैं। लेकिन रानिया ने एक दो आइडिया दिए हैं कि इसमें ये रखेंगे, पता नहीं क्या क्या बोला है। अब देखते हैं कि ये इसको कैसे यूज़ करती हैं और देखते हैं। ये देखिए, मतलब सच में बहुत अच्छा लग रहा है और जब कुछ रखेंगे तब दिखाएंगे। तो ये वाले DIY को, जो बॉटल का और एल्युमिनियम फॉइल का हमने DIY बनाया है, इसको एज अ प्लांटर भी हम यूज़ कर सकते हैं। कोई भी हम फ्लावर पॉट इसको बना सकते हैं, मतलब कोई भी फ्लावर पॉट, चाहे लाइव फ्लावर हो या आर्टिफिशियल फ्लावर, क्योंकि अभी हमने आर्टिफिशियल फ्लावर्स रखे हैं और ये वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए तो बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा ये वाला DIY। तो शाम हो गई है, यानी आप, हम और शाम की चाय। चलिए अपनी शाम की चाय पीते हैं। तो चलिए बनाते हैं दूसरा DIY। तो हमने एक कार्डबोर्ड अपना ले लिया है, जो जिस बॉक्स का हमें बनाना था, और जो भी उसका फ्लिप साइड होता है वो चारों तरफ हम उसको कट कर देंगे। और इसको फेंकना नहीं है, इसका भी हम यूज़ करेंगे अपने इस बॉक्स को स्टडी करने के लिए, यानी खूब हैवी करने के लिए। ये देखिए, ऊपर के जो लंबे वाले पीस थे उसको हमने मास्किंग टेप से और ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं। DIY बनाने में बहुत अच्छा लग रहा है हमको, बहुत मज़ा आया। और
बहुत से लोग कहते हैं कि अरे ये सब चीज़ें बहुत सस्ती सस्ती आजकल मार्केट में अवेलेबल है, आप जो भी मार्केट जाइए, अमेजोन है, पता नहीं कौन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप जब कोई काम करते हैं उसका एक अपना अलग मज़ा होता है, उसमें आपको अपना हार्डवर्क दिखता है। हाँ ये हमने ख़रीदा नहीं है, हाँ इसको हमने बनाया है, जबकि सारा सामान जो भी इसमें लगा है, पेपर वगैरह, ग्लू वगैरह, सब कुछ मार्केट से परचेज़ किया है, लेकिन हमने इस DIY को बनाने के लिए एक टाइम दिया है, उसमें अपना बहुत सारी चीज़ें, इसमें प्यार है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तब कोई एक चीज़ बनकर तैयार होती है, तो सबसे अच्छी चीज़ हमको यही लगी DIY में। तो इसी तरह आगे आप और भी हमको इस तरह के DIY बनाते हुए देखेंगे, अलग अलग तरीके का। तो अभी तो फ़िलहाल ये कार्डबोर्ड की ही शुरुआत है, कार्डबोर्ड से लेकर बस गिफ्ट रैप पेपर हमने मार्केट से ख़रीदा और उसको पूरे कार्डबोर्ड को अच्छी तरह से हम रैप कर देंगे, तो हो रहा जाएगा मेरा एक बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र। तो किसी भी काम को करने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है, सोच चाहिए होती है कि उसको किस तरह से हम अच्छे से अच्छा बना सकते हैं, ताकि सामने वाला जो भी देखे उसको वो चीज़ अच्छी लगे, ये नहीं कि अरे क्या बना दिया, ये इससे सस्ता तो हम मार्केट से ख़रीद लाते। तो चीज़ें जो भी बनाइए या जो भी काम करिए उसमें थोड़ा सा टाइम लीजिए, अगर धीरे बन रहा है या धीरे कोई काम हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो काम कभी ना कभी तो कंप्लीट होगा ही। जैसे ये तो आज का मेरा एक और ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है, ये बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत स्टडी है मतलब, और इसके अंदर टेप और एक और ऐसा कार्डबोर्ड का पीस लगाकर थोड़ा और मजबूत कर दिया है। अब एक ये है लास्ट पीस जिसको अब हम इसके अंदर ऐसे फिट कर देंगे, तो बस बहुत अच्छा से मेरा ऑर्गेनाइजर रेडी हो गया। तो हमने इसको गिफ्ट रैप पेपर से जो है वो पूरा कार्डबोर्ड को रैप कर दिया। ये देखिए अंदर जो एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड का ऊपर का साइड था जो हमने यहाँ से कट किया था, उसमें टेप लगा के उसको एक बना दिया। और अब दिखाएंगे फिर इसमें हम क्या क्या चीज़ें रखते हैं, तो चलिए मिलते हैं फिर आगे, इसमें क्या रखेंगे ये दिखाएंगे आपको, और क्या बनाएंगे ये बताएंगे आपको। तो ये मेरा ऑर्गेनाइज़र है जो काफ़ी बड़ा भी है और बहुत अच्छे से मजबूत है, इसको हम बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे ये जो कंफर्टर है, एसी कंफर्टर, अब हम इसको इसमें रख कर कहीं भी अच्छे से इसको उठाकर कैरी करके रख सकते हैं, और बस ये साफ़ सुथरा भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा। तो अब ये मेरे पास छोटू सा डिब्बा है और देखते हैं इसका क्या बनाते हैं। तो सबसे पहले जितना भी ये इसका लिड वगैरह यानी कवर है इसको हम जो है कट करेंगे, क्योंकि कुछ सोचा है कि इसका किस तरह बनाना है, देखते हैं वैसे उतर सकता है कि नहीं। तो ये बॉक्स का ऊपर का जो लेड है वो पूरी हमने काट दी है, और जो ऊपर का हमने कवर इसका काटा है उसी के साइज़ के दो कार्डबोर्ड के पीस भी हमने काट लिए हैं, और देखिए मास्किंग टेप से इसको हम और अच्छा मतलब हार्ड बना रहे हैं ताकि वो मजबूत रहे, मजबूती के लिए। और एक जो कार्डबोर्ड रखा है वो अंदर बॉक्स में डालेंगे उसको भी मजबूती के लिए। तो देखिए ये नाप एकदम सही है, और बस ये वाला ये जो गार्लिक ब्रेड बॉक्स है इससे हम इस कार्डबोर्ड के नाप की पट्टियां को कट करेंगे। तो बस हम और हमजा
मिर्जा, रानिया सब लोग खाना खा रहे हैं। आज वही खाने में है तुरई की सब्जी, बैगन का रायता जो हमने दोपहर में बनाया था, और अरहर की दाल, चावल, रोटी है। चलिए हम बिस्मिल्लाह करते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और मेरा बच्चा रानिया वही बहुत थोड़ा सा लेके धीरे धीरे आराम से खाती हुई। तो रात हो गई है और हमने खाना वगैरह खा लिया है। दो DIY कंप्लीट हुए और तीसरा एकदम आधा ही रहा, वो हम कल के DIY में जो करेंगे आगे कंटिन्यू अपना व्लॉग, उसमें हम दिखाएंगे कि वो कैसा बना है। तो चलिए आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हमको अपनी दुआओं में याद रखिए। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।